हम वही सोच रहे थे कि आज अपने इतने दिन बाद सेशन कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ये करें कि कितना किसको फायदा हुआ अपने इस सेशन से। तो सब लोग अपना एक या दो एक्सपीरियंस बताएं कि भाई ये चीज हमें चेंज लगा लाइफ में, या ये चीज हमें उस दिन याद आई, ऐसे ऐसे करके। तो कौन बताना शुरू करेगा? शीला जी आप बताइए कुछ, माइक ऑन कर दीजिए। मैंने ये किताबें 3 बार पढ़ी गया है। शीला जी, आपका वीडियो बंद हो गया, वीडियो चालू करिए आपका। हाँ मैंने ये तीनों किताबें 2 बार पढ़ी, लेकिन आज जब भी आपने ये पेजेस लिखे ना, तो मैंने पढ़े तो मुझे ऐसे लगा कि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। मालूम नहीं ऐसा क्यों लगा। मुझे लगता है बहुत जरूरी है आप जो करा रहे हैं। नहीं, वैसे अपने ने पहले काफी सेशंस किए हैं ना, अपने कब हाँ शुरू किया था हाँ तो अपने? वो ऐसे लगता है कि अपना प्रैक्टिकल हो रहा है। मतलब फायदा हो रहा है आपको इसका। फर्स्ट हाँ यही फायदा हुआ। जुलाई को शुरू किया था हम लोगों ने, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, समझ लिए 4 महीने तो कंटिन्यूअस किया ही था। हाँ नवंबर में थोड़ा गैप हो गया। अच्छा लगता है, वो ऐसे लगता है स्टूडेंट हो गए फिर से। चलिए आप बताइए भावना जी, माइक। हाँ राधे राधे। क्योंकि बहुत अभी भी ऐसा ही है कि भाई सीखते ही रहना है, हर चीज को वापस से करना है। एक तो नाम जप का जो आपने एक सेशन किया था, अभी वही एक पेज मुझे आया, तो मुझे याद आया कि नाम जप जैसे यूं कि छोड़ना नहीं है, और हो सके। और फिर वो जैसे मैंने बहुत से मैं वीडियोस वगैरह भी देखती रहती हूँ, तो बस उसमें ये कि नाम का सहारा एक अगर ले लोगे तो उससे तुम्हारा वो जैसे बोलते हैं ना कि एवरीडे लाइफ विल बिकम वेरी स्मूथ। तो मुझे लगता है कि एक वो चीज मुझे कायम रखनी है। और ये पद पर जैसे आंटी ने बोला कि वैसे मैं पढ़ती थी पहले, लेकिन आज सेम वही हुआ। मैंने बोला कि अरे ये तो कैसे लग रहा है ना कि जैसे हम फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं। और इसमें वो जब भी पढ़ने लगी तो उसमें वो सारा जो आपने सेशन में जब भी अपन डिस्कस करते हैं, कहना क्या, एक उसमें पढ़ा था मैंने जैसे गोवर्धन का इसमें लीला है के वो ब्रजवासियों के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं कि इंद्र को अभिमान हो जाता है। तो जैसे कि हम लोग अभिमान करने लगते हैं कि सब जैसे छिपकली की बात की छत को मैंने पकड़ रखा है। तो वो मुझे आज इंस्टेंट याद आया कि मैं आंटी से शेयर करूंगी कि ये क्या उसी से रिलेटेड है ना कि इंसान सोचता है कि मेरी वजह से सब हो रहा है, जबकि वो उसके हाथ ठाकुर जी के वजह से होता है। पर वो तो आज वो पढ़ा तो मुझे वो एक वाला इंसिडेंट याद आ गया। मैं बोला अरे आंटी से बोलूंगी कि आंटी वापस आप सेशन अच्छा हुआ शुरू किया आपने। चलो अच्छी बात है। और रेखा जी आप बताइए। राधे राधे। बस वो जैसे मैं भी है ना, जैसे दोनों तीनों भाग है, दो दो तीन तीन बार पढ़ी, लेकिन आपके साथ में जब भी पढ़ने में या जो समझ में मजा आ रहा, वो जब हमको इतनी बार में नहीं आया, बस हम एक पढ़ रहे थे, जबकि इजी है, बहुत अच्छा लगता पढ़ने में, लेकिन और उससे भी ज्यादा अच्छा लगने लगे आपके सत्संग के कारण। और इसके कारण एक सत्संग कारण थोड़ा छन भी रहता भाई, हाँ 8:30 बजे चालू होने वाला है, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो। आपने होमवर्क दिया वो हमको करने की ज्यादा उत्सुकता रहती कि कुछ पूछेंगे, तो अच्छा लग रहा सत्संग। हम तो बोलते पूरा तीनों भी भाग आप एक एक बार करवा दो आपके हिसाब से, तो और हमको अच्छा आनंद आएगा। आप लोग को क्या लग रहा है कि ये टाइम ठीक है कि अपने कुछ 4-5 बजे ठीक का रख है, लें? एकदम बढ़िया टाइम है ये तो। हाँ टाइमिंग ठीक है सबको? हाँ सब लोगों को जमता है तो। हाँ और देखो 5 o'clock का टाइम भी अच्छा है, पर लेकिन चलेगा, जैसे भी मेजोरिटी जैसा बोलेंगे हम लोग उस हिसाब से हम एडजस्ट चलेगा, करते हमें हैं। हाँ हम भी चलेंगे। हाँ वो भी बात है, मेरे को भी चलेगा। हमको तो ये टाइम इसलिए अच्छा लगता है कि पूरा दिन फ्री है अपने, नहीं तो फिर वो अटक जाते हैं उसमें, हाँ कहीं जाना हाँ हो कुछ और हो। तो चलो टाइम तो नहीं बोलो चेंज बोलो, करना है और कंटिन्यू टाइम अच्छा ही है। रहा। हाँ और सबको मतलब फायदा हो रहा है अपने कंटिन्यू रखें, नहीं तो आज ही हाँ मेरे मन में आया था कि कुछ ऐसे खास तो है नहीं, बंद कर दें क्या? नहीं, ये नहीं तो तो पूरा अच्छा तीनों लगता है। भाग आप एक बार करवा दो, ये कॉन्वर्सेशन करने से याद रहता है। हाँ हाँ और फिर क्या है ना, हाँ शेयरिंग भी करते हैं ना, उससे बहुत बेनिफिट।
होता है और आप जो पूरा। कभी कभी सुनाते हैं ना आउट ऑफ दिस बुक, वो भी बहुत अच्छा अच्छा होता है। आप बीच में चलो स्टोरी भी बताते हैं, वो भी अच्छा लगता है। माँ की कृपा से कंटिन्यू हो रहा है तो बहुत अच्छी दीदी बात दीदी हम तो बोलते हैं आप है ना एक एक पूरा तीनों भी भाग करवा दो तो हमको वो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वीडियो आ जाती है उसमें और हम एक बार सुन लेते हैं। नहीं। वैसे हाँ 3 भाग वाली बात नहीं है, अपने तो एक एक टॉपिक लेते हैं और वो टॉपिक से हाँ कनेक्ट जहाँ बुक में है वो मैं निकाल के रखती हूँ, ऐसे हाँ वही कंटिन्यू वही लाइन में नहीं जा रहे हैं अपने। तभी हाँ तो मैं याद कभी रहता है एक एक सेकंड बुक कहती टॉपिक हूँ कभी थर्ड बुक कहती हूँ, तो टॉपिक वाइज अपने जा रहे हैं। ना। अब आज का टॉपिक अपने ने लिया है, ये अपना पेज नंबर 136 में है, जिन्होंने पढ़ा होगा, आशा ही परम दुखम, एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सॉरोज़, ये अपना आज का है। तो अब इसमें पहले कुछ कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा कि भाई क्या इसका मतलब हुआ, या कभी किसी के लाइफ में ऐसा कोई इंस्टेंस हुआ क्या कि भाई आशा रखी वो पूरी नहीं हुई तो दुखी हुए। मैं थोड़ा डरता हूँ माँ से कि माँ इधर है तो भांडा फूट हो हेलो दीदी बोल रही है? हेलो कौन बोल रहा है? राधे राधे। राधे। हाँ बोलिए दीदी। नहीं मैं कुछ बोल नहीं रही थी, मेरा गला ही बैठा है। मैं तो अच्छा सिर्फ आपको देखने के लिए प्रोग्राम आज मैंने ठीक है, आप चलाया। सुन लीजिए तो फिर आपका हाँ माइक बंद सुन, कर दीजिए हाँ दीदी सुन रही अपना। मैं। हाँ माइक बंद कर दीजिए, अच्छा, अभी बीच में आवाज आई थी कुछ, मुझे लगा कोई कुछ कहना चाह रहा है। नहीं उनके यहाँ से और कोई बोल रहा होगा ना, उसकी आवाज आई थी ये कांता जी के, उनको बोलो माइक ऑफ करने के हाँ लिए। दीदी आप अपना माइक बंद कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैं कर देते हैं, हाँ गलती से चल गया होगा। हाँ ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सॉरोज़, ठीक है? तो अब इसमें कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा कोई लाइफ का, कि भी हमने किसी फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से या किसी और से कुछ एक्सपेक्टेशन रखी हो और नहीं पूरी हुई, या बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन रखी हो नहीं पूरी हुई तो हमें कितना दुख हुआ, या कुछ ऐसा अभी नहीं याद आ रहा है किसी को, है ना? कोई बात नहीं, अपने पढ़ना शुरू करते हैं, अगर याद आएगा बताइए भारती हाँ भावना। जैसे फ्रेंड्स फ्रेंड्स लोगों का मैं बोल सकती हूँ। अभी अभी मुझे जैसे वैसे तो जब से अभी माँ की इस लाइन में आए तो मैंने खुद ही लोगों से कांटेक्ट कम कर दिए हैं, ज्यादा किसी से मिलती जुलती नहीं हूँ। पर अभी दीपावली का टाइम था तो अपने आप दिल में एक्सपेक्टेशन हो गई कि अच्छा वो लोग आए नहीं या ऐसे मिलने नहीं आए हमसे, ऐसा मुझे ये एक्सपेक्टेशन हो गई। फिर बाद में जब बैठकर सोचा मैंने बोला कि व्यर्थ है दिल में दुख लगाना, क्योंकि मन से मेरा भी इच्छा नहीं था कि मैं किसी से मिलूं, तो ये मुझे हुआ। बाकी बच्चे अभी छोटे हैं तो उनसे अभी मैंने उनको मैं बोलती हूँ गुस्से में कभी कभी, मुझे पता है मुझे तुम लोग से मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, तुम लोग अपनी लाइफ बनाओ, उनको मैं ऐसे बोलती हूँ। हाँ इस बार दीपावली पर मुझे ये अपने आप ही किसी एक फ्रेंड लोगों से मुझे एक्सपेक्टेशन हो गई कि अरे उन लोग ऐसे कैसे किया। फिर बाद में मैंने बोला कि नहीं ये मेरी खुद की गलती है, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं करना राधे है। राधे भाभी जी, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, एक मिनट मेरा कुछ कंप्यूटर में यामिनी इशू आ रहा है, मेरे को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। किरण कंदोई आपका माइक चालू रखना पड़ेगा आपको। भाभी जी खाना नहीं हुआ है, अभी खाना चल रहा है। तो खाना खा के आ जाओ, माइक ये चालू रहने दो, हाँ क्योंकि अलाउड सर्वेंट नहीं इस सेशन में, अलाउड नहीं है वीडियो रख बंद रख। नहीं है ना भाभी जी, 10-15 मिनट में मैं रूम में जाऊंगी तो कर दूंगी, बस 10-15 मिनट खाना खिला देती हूँ। ओके चलो। हाँ तो बोलिए यामिनी आप कुछ बोल रहे थे, कहाँ गए? यामिनी का बंद कैसे हो गया? मेरी दीदी बोल रहे थे कि उनका कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम है तो वो वापस से ज्वाइन करते हैं, ऐसा दीदी बोल रहे थे। हाँ वापस कर रही है। जैसे दीदी मैं बताती अपना, जब तक हाँ जैसे पहले ऐसा लगता था, पहले जैसे अपन हट करते थे बच्चे अपनों को कि नहीं हम तो अब ये जॉब जैसा नहीं, हम तो ट्रांसफर नहीं करते, जैसे बम्बई से हम अपन उसको बोलते तो मलाड में एडजस्ट ट्रांसफर कर ले। करिए वीडियो, एडजस्ट करिए, आपका फेस नहीं दिख रहा है। हाँ
हाँ जैसे बोलिए। बच्चे बोल अपन बच्चे को बोलते थे कि तुम मलाड में ट्रांसफर करवा ले, वो बोलता था नहीं मैं तो ये धानु में ही रहूंगा। जैसे इस बात को बहुत एक दो मन तक चलता था, पर जब ये बुक पढ़ना चालू थी तब ऐसा लगा कि नहीं अपन क्यों इतना बोल बोल के अपना समय भी व्यर्थ कर रहे हैं। अभी तो माँ के सामने ये बुक के अंदर तो सब ये आ ही गया है, तो जब से अब जब से अब दुख नहीं होता कोई बातों का, ठीक है सब अपनी अपनी मर्जी से रहो भाई। एक दो बार बोल देते हैं वो लगता ही एक बार तो बोलना ही करके, पर एक या दो बार की बात में उससे बाद में नहीं बोलते कि हमें तो समझ में एक्सपीरियंस आया कि खत्म हो गई। सब सब अपने हाँ मन से करते करके। हाँ गुड। हाँ यामिनी आप कुछ बोल रहे थे। भाभी जी, मेरे कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ आ रहा था तो वो मेरे को रीजॉइन करने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने हाँ निकाल के वापस किया है। अगर कुछ आएगा तो मैं देखती हूँ, नहीं तो आई एम ओके फाइन नाउ। हाँ आपको शेयर करना चाह रहे थे कि नहीं? नहीं अच्छा ओके। तो अब अपने आगे शुरू करते हैं। किसके किसके पास पत्र पत्र प्रदर्शिका है अभी? ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सब लोग पढ़ेंगे। शुरुआत में यामिनी आप पढ़िए, पेज नंबर 136 में ये जो लिखा है ना, एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सॉरोज, यहाँ से पढ़ना शुरू करिए। 136। हाँ बुक टू पेज नंबर 136। हाँ 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 उसके नीचे से चालू करूँ ना। हाँ एक्सपेक्टेशन इज यहाँ से। अगर आप चाहते हो कि जो संसार में प्रतिक्षण वर्धमान दुख की प्राप्ति हो रही है वह न हो, तो आप किसी से भी सुख की आशा करना छोड़ दें। आशा ही दुख का कारण हुआ करती है। अगर पति चाहता है कि पत्नी मेरी सेवा करे और वह नहीं करती तो पति दुखी होता है। माता-पिता चाहते हैं कि बेटा हमारे कहने पर चले, जैसा हम चाहें वैसा करे, हमारी सेवा करे। बेटा नहीं करता है तो माता-पिता को दुख होता है। नौकर को आज्ञा का पालन करना चाहिए, वो नहीं करता है तो दुखी हो जाते हैं। इसीलिए अगर दुखी नहीं होना चाहते हो तो किसी से भी सुख की आशा करना छोड़ दो। हमारे अंदर गड़बड़ी क्या है? हम प्रेम पाना चाहते हैं। हर एक को शिकायत है कि मेरी बीवी या मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, मेरा पड़ोसी मुझसे नफरत करता है, मेरा नौकर मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करता है। आप ये आशा मत रखो कि कोई आपसे प्रेम करे। आप प्रेम देना सीखिए तो अनंत गुना आपको लौट कर मिलेगा। ये संसार का नियम है कि आप नफरत दो तो नफरत की प्राप्ति हो जाएगी और आप प्रेम दो तो प्रेम लौट कर मिलेगा। प्रियया ही दुख का मूल कारण हुआ करती है। स्वर्ण अक्षर में नोट करके लिख लीजिएगा, ये जल्दी से सुनने को नहीं मिलेगा। हमारी जो आसक्ति है, वह जो लगाव है, अटैचमेंट है, अपनापन है, वही हमारे दुख का कारण है। क्योंकि हमें जिससे प्रियता है उससे हम आशा करते हैं। सड़क के ऊपर एक मुर्दा चला जा रहा है श्मशान यात्रा को, लोग अपने कंधे पे उठाकर लेके जा रहे थे, राम नाम सत्य है कहते जा रहे थे। हम और आप देखते हैं मुर्दा जा रहा है, हम गाड़ी में बैठे चले जा रहे हैं। पहले से कुछ खा रहे हैं तो खाते रहते हैं, हाथ बंद नहीं होता है, मुंह का चलना बंद नहीं होता। लेकिन घर में अगर अपने बच्चे को जरा सी भी बीमारी हो जाती है ना तो खाना पीना भूल जाते हैं, माता पिता भूल जाते हैं माता पिता, क्योंकि आसक्ति है, प्रियता है, अपनापन है उसके साथ। तो तो इस अपनेपन को हमको थोड़ा सा समझना होगा कि ये कितनी बड़ी गड़बड़ी किया करता है। राधे राधे हिंदू स्त्री यह राधे नहीं राधे चाहती कि राधे राधे उसके जीते जी उसके राधे मृत्यु राधे राधे हो जाए। हाँ राधे राधे। राधे एक राधे। मिनट थोड़ा सा इसको समझ लें। तो अपने ने अभी जितना पढ़ा तो उसमें क्या समझ में आया? कौन थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेगा? मैं बोलूं, हाँ बोलिए। इसमें मेन कारण क्या बताया है कि हमको थोड़ा जिससे वीडियो एडजस्ट करिए बहुत थोड़ा। गड़बड़ है भाभी हाँ जी। हाँ अब ठीक है। बस आप ठीक है। तो हाँ
इसमें एक ही चीज समझ में आती है कि हमको जितनी आसक्ति होती है ना, उतना ही हमको अपनापन होता है, उतना ही हमको वहां से दुख मिलता है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि कभी कभी जैसे हम को छोटे हैं, अनजान थे जब तक इसमें नहीं आए थे, तो हमें कोई हेल्प कर रहा है, चाहे वो फादर हो चाहे बड़ा भाई हो, तो वो हमें जब जब जरूरत पड़ी वो हमें हेल्प करते गए करते गए करते गए, तो हमें एक आदत सी बन जाती है, हमारा एक एक्सपेक्टेशंस लेवल हो जाता है, हमको उससे बहुत ज्यादा प्रेम होते हैं। दुनिया में और भी बहुत अपने रिलेटिव्स हैं, लेकिन जहां से तुमको स्वार्थ पूरा होता है उससे तुमको ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होता है, और फिर जब वो पूरा नहीं होता है ना तब तुमको दुख पहुंचता है। इसी तरह से कोई, जैसे एक स्टोरी अपनी और भी थी कि हम जा रहे थे, रास्ते में देखा कहीं से कोई भीड़ लगी हुई है अपने गली के बाहर, तो हमको फर्क नहीं पड़ता है, और आगे जाते हैं तो थोड़ा देखते हैं, अरे अरे ये तो अपने घर के पास की तरफ ही है, अड़ोस पड़ोस वाला होगा, फिर पहुंच गए, जब पता चला अपने ही घर में था तो अपने को दुख होता है। तो वही बात है कि जहां आसक्ति होती है वहां दुख होता है। और अगर राइट मैसेज, डायरेक्ट मैसेज में जाऊं तो ये समझ में आता है कि हमें दुनियादारी से थोड़ी थोड़ी आसक्ति कम करते हुए ठाकुर जी की तरफ थोड़ा थोड़ा मुड़ना है, क्योंकि वही एक हमारा सच्चा प्रेम है। अटैचमेंट, अटैचमेंट नहीं रखना है जहां तक हो हाँ सके। ठाकुर जी, अगर अटैचमेंट करना है तो ठाकुर जी से ही करना है, क्योंकि वो हमेशा रहने वाला है और कभी भी वहां से दुख नहीं मिलेगा तुम। राइट, लता अग्रवाल ने आज ज्वाइन किया है। राधे राधे लता, कैसे हो? लता ने कनाडा से ज्वाइन किया है, आजकल कनाडा गई हुई है, वहां से ज्वाइन किया है, कहाँ गायब हो गई। चलो आगे पढ़ते हैं तो अपने को और ज्यादा समझ में आएगी ये बात। चलो अब भावना आप पढ़िए नेक्स्ट पेज में। कोई भी हिंदू, राधे राधे। कोई भी हिंदू स्त्री यह नहीं चाहती कि उसके जीते जी उसके पति की मृत्यु हो जाए। वह प्रार्थना करती है कि मैं अपने पति के कंधे पर चढ़कर शमशान चली जाऊं, और पति बड़े खुश हो जाते हैं कि मेरी स्त्री मुझसे कितना प्यार करती है, मुझसे पहले मर जाना चाहती है। क्यों चाहती है बताऊं? आपकी जो मान्यता है उससे उल्टा आपको लगेगा, लेकिन सत्य तो कड़वा हुआ करता है, वास्तविकता बिल्कुल उल्टी है। अगर स्त्री पति से प्रेम करती तो कभी ना सोचती कि पति के सामने मर जाऊं, क्योंकि उसको पता है कि जब तक युवावस्था रहती है तब तक सब चल जाता है, लेकिन जब ओल्ड एज आती है तो पत्नी ही सेवा कर सकती है। कौन से बेटा बहू आजकल के जमाने में सेवा कर सकेंगे? लेकिन स्त्री वैधव्य के दुख से बचना चाहती है, इसलिए अपने पति से पहले मरने की कामना करती है। स्त्री को यह चिंता नहीं है कि उसके मरने के बाद उसके पति की क्या दुर्दशा होगी, उसको तो अपनी चिंता रहती है। जिसके प्रति सच्चा प्रेम होता है वह यही कामना करती है कि मेरी लास्ट ब्रीथ तक मैं उनकी सेवा करूं। इस संसार में सच्चा प्रेम है ही नहीं, सब नाटक है। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए सब एक दूसरे से प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। राधे राधे कोई भी स्त्री, राधे राधे। राधे राधे। हाँ तो अब क्या समझ में आया बोलो। बस यही है कि सभी लोग एक दूसरे से मतलब के लिए ही लोगों से दोस्ती और प्रेम रखते हैं। पहले हाँ मुझे नहीं, यानी कि अब ये बात के रियलाइजेशन हो गई है, अब तो मुझे हर एक का लगता है इसको जरूर कुछ मुझसे मतलब है। रियलिटी कुछ अलग ही होती है ना, क्योंकि हम वो पहचान नहीं पाते हैं। हमको लगता है अरे यार ये कितना अच्छा है, कितना मुझे प्यार कर रहा है, अच्छा मेरी कितनी तारीफ कर रहा है। इसमें आगे ये भी है कि जो तुमसे तारीफ करता है उसको दूर रहो, जो निंदा करता है उसको अपने पास ही कुटिया बना के रख लो। सही बात है। ये बात सही है। अब इसमें ये जो बात है, जैसे अब अपने यहाँ जब शादियां करते हैं बच्चों की कुछ भी है, तो हमेशा ये होता है ना, लड़की लड़के से छोटी होना चाहिए, होता है ना, एक यही प्रोटोकॉल है ना हमेशा, कि लड़का बड़ा होगा तो ठीक है, लड़की बड़ी नहीं होना चाहिए, हमेशा यही होता है कि जेंट्स से लेडीज जो है ना वो 3-4 साल छोटी होना चाहिए। वो ऐसा क्यों होता है? What is the logic behind it? मैं बोलूं, हाँ
लड़की में मैच्योरिटी जल्दी आती है लड़के से, अच्छा, और बड़े लोग जो बोलते हैं कि बड़े लोग बोलते हैं कि लड़का अगर लड़की लड़के से बड़ी है तो वो उसके ऊपर हावी हो जाएगी, तो कहेगी तो उसको छोटी ही रहना चाहिए बड़ी हो, ऐसे जो मैंने सुना और जो हमारे ससुराल वरना हाँ, बोलते हैं कि अरे लड़की बड़ी कैसे हो गई मुझे ऐसा लगता है कि इसका ये रीजन है कि वो सोचते हैं कि छोटी है तो बड़े की डेथ पहले होगी, तो कम से कम मेरे एंड तक तो वो लड़की मेरी सेवा करती रहेगी, इसलिए जो है छोटी होगी तो बेटर रहे। तो सब मतलब अपने स्वार्थ के हिसाब से सोचते हैं, अब चाहे ये रीजन हो जो भावना ने बताया या आपने बताया, लेकिन सोचते सब अपने स्वार्थ की हैं कि हमको कैसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, ये होता है। अब इसी से रिलेटेड एक और बात है कि लड़की की क्यों नहीं चाहते हैं लोग, लड़का ही क्यों चाहते हैं, बच्चे जब होते हैं लड़कियों की कैसे भ्रूण हत्या कर देते हैं या ये सब होता है, कितना ज्यादा हो रहा है ना लड़की के लिए, तो वो क्यों करते हैं ऐसा। वो भी वही रीजन हो लड़की गया ना को कि लड़की तो तो शादी करके पराए घर में चली जाएगी और लड़का पास में रहेगा तो बुढ़ापे में सेवा करेगा। नहीं, नहीं, वंश परंपरा के लिए भी कहते हैं। वंश परंपरा तो एक अलग बात है, लेकिन एक ये भी रीजन मेन यही है कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ 20 साल तक, सब करो क्या, सब में नहीं वेस्ट करी हो तो दूसरी शादी होके दूसरी जगह चली जाएगी, हमको क्या फायदा हुआ उससे, लड़का रहेगा पढ़े लिखेगा कमाएगा तो हमारे काम आएगा हमारी सेवा करेगा, दिस इज द मेन रीजन। लेकिन अब जो है लड़कियां लड़कों से आगे निकल रही हैं, तो अब लोगों की आंख खुल रही है कि हाँ भाई लड़की भी कुछ कर सकती है, लेकिन मेनली वही वो रीजन था पहले कि भाई लड़की को क्यों पढ़ाओ, तो वहां पे भी वही एक्सपेक्टेशन आ गया ना कि भाई एक्सपेक्टेशन में तो लड़का ही पूरा उतरेगा, लड़की तो उतरने वाली नहीं, पढ़ाओ लिखाओ ऊपर से शादी में भी खर्चा करो, तो पहले से ही दहेज जोड़ना शुरू कर देते हैं, भाई शादी करना है इतना पैसा लगेगा इतना ही, बेटे के शादी में तो वो सामान आएगा, अपने को खर्चा नहीं करना है ज्यादा, एक ये थिंकिंग होती थी, तो वो भी एक्सपेक्टेशन हो गई ना, लड़की से लड़के से एक्सपेक्टेशन है, अब वो जान बुढ़ापे में जाके उनको की सेवा करे या ना करे इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एक्सपेक्टेशन सबको यही रहती है कि भाई लड़के हाँ सेवा करेगा, है ना। चलो आगे पढ़ेंगे। दुनिया में कोई भी पत्नी पति को पति के लिए प्रेम नहीं किया करती, अपने सुख के लिए प्रेम किया करती, इसलिए कोई स्त्री यह नहीं चाहती कि उसके सामने उसकी पति की मृत्यु हो जाए, क्योंकि पति की मृत्यु के बाद पत्नी की बहुत दुर्गति होती है, उस दुख को वह भोगना नहीं चाहती। मान लीजिए किसी के पति की मृत्यु हो जाती है, भगवान ना करे कि हो, पर हो जाती है, तो स्त्री जोर जोर से विलाप करती है, अरे मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए, मुझे कौन देखने वाला है, मैं तो लुट गई, मेरा संसार समाप्त हो गया, मेरे बच्चों का लालन पालन कौन करेगा, मैं तो अनाथ हो गई, वो चले गए इसकी चिंता नहीं है, मेरा क्या होगा इसकी चिंता है। अस्तु कोई भी पत्नी पति को पति के लिए प्रेम नहीं किया करती, पति लोग बड़े खुश हो रहे होंगे मन के अंदर की पत्नियां कितनी नालायक होती है, अपने सुख के लिए प्रेम करती हैं, हम लोग बड़े अच्छे हैं पत्नी को पत्नी के लिए प्रेम करते हैं, ना 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 ना, कोई पति स्त्री को स्त्री के लिए प्रेम नहीं किया करता, अपने सुख के लिए स्त्री से प्रेम किया करता है, सब लोग अपने अपने हृदय पर हाथ रखकर देख लेना बात सच्ची है या नहीं। प्रेम का मतलब होता है उसको सुख देना जिससे आप प्रेम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मैं फिर से पढ़ती हूँ। प्रेम का मतलब है उसको सुख देना जिससे आप प्रेम करते हैं, उसको सुख मिले इसमें ही आप अपने सुख को सुखी समझिए। है कोई माई कला जिसकी पत्नी चाहे कि मैं किसी और के साथ आनंद मनाऊं और वो पति सुखी हो, हाँ जी बड़े आनंद की बात है,
नाना गोलियां चल जाती हैं। जरा सा मुस्कुराकर किसी से बात कर ली तो संसार में खट्टा पट्टी चालू हो जाती है। होता है ना फैक्ट कि भाई ठीक है, पत्नी को सुख मिल रहा है, चलो उसको लव कर रही है, किसी से करने दो, लेकिन इज इट पॉसिबल? नहीं ना। तो सब अपने सुख के लिए सुख प्रदर्शित करते हैं खाली दूसरे से। कोई भी माता पिता पुत्र को पुत्र के लिए प्रेम नहीं करते, अपने सुख के लिए पुत्र से प्रेम किया करते हैं। कोई भी व्यक्ति धन को धन के लिए प्रेम नहीं किया करता, अपने सुख के लिए प्रेम किया करता है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, कहाँ तक कहें मैत्री, यहाँ कोई किसी को किसी के लिए प्रेम नहीं किया करता। संसार में सब अपने अपने सुख के लिए एक दूसरे को प्रेम प्रदर्शित किया करते हैं। प्रेम करता बढ़ता है, कोई ऐसा तो कोई है ही नहीं। तो कितनी क्लियरली माने ये बात समझाई है कि सच्चा प्रेम क्या है और क्या हम लोग करते हैं। मतलब मेनली प्रेम का प्रदर्शन हो रहा है। सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। तुलसीदास महाराज जी ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा। सुर नर मुनि देवता भी स्वार्थ के वशीभूत होकर प्रेम प्रदर्शित किया करते हैं। इतना अपने ने पढ़ा, उसमें कोई कुछ डिस्कशन करना चाहेगा, कुछ कुछ शेयरिंग करना चाहेगा? मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। माँ का बोला हुआ है, एक बार हम बैठे थे तब माँ ने बताया था कि सबसे बड़ा स्वार्थ हमेशा हमारा कहीं पे भी सांसारिक जीवन में जो भी संबंध है वो सब स्वार्थ के बेस है। ठीक है, कोई तुमसे दोस्ती करता है तो तुमसे कोई प्यार से बात करता है तो सभी जगह स्वार्थ है। माँ ने बताया हुआ है कि सबसे ज्यादा स्वार्थ ही रिलेशन हस्बैंड वाइफ का होता है, क्योंकि तो उसमें मैक्सिमम एक्सपेक्टेशंस होती। हमको बेटे से कुछ होता है, इधर से उधर सब जगह से थोड़ी थोड़ी होती, लेकिन मैक्सिमम एक्सपेक्टेशंस हमको हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से होता है, और इसीलिए और इसी में सबसे ज्यादा स्वार्थी अपना रिलेशन। तो जहाँ ज्यादा स्वार्थ है वहाँ ज्यादा गहरा रिलेशन हम मेंटेन कर। ठीक बात है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो वही साथ रहते हैं ना, और एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते रहते हैं जिंदगी भर स्वार्थ के वश होकर, कि हम जो चाहते हैं वैसा हस्बैंड करे, हस्बैंड चाहता है हम जैसा कहते हैं वो वाइफ हमारी करे, है ना। वहां ईगो भी नहीं आता है, कई बार लड़ाई झगड़ा करके भी वापस पहुंच जाते हैं, क्योंकि तो वो हाँ आगे और स्वार्थ है ना तुम्हारा, कि चलेगा नहीं यहाँ झगड़ा करके, मुंह मोड़ के यहाँ चलेगा नहीं। राइट एकदम सही बात है। लता आप भी कुछ शेयर करो। एक दूसरे से स्वार्थ के कारण ही जुड़े समझ लो, बाकी तो ब्लड रिलेशन है कुछ है, ये तो रिश्ता ही स्वार्थ से शुरू होता है तो चलेगा ही ना। नहीं, अब ब्लड रिलेशन जो आपने कहा, आपको लगता है हाँ इसमें कोई ब्लड रिलेशन जैसी चीज रह गई है आजकल दुनिया में? नहीं रह नहीं गई, पर बाकी तो चलो है, ये है तो अपन उसको चेंज नहीं कर सकते। शादी की शुरुआत सबसे पहले तो स्वार्थ देख के करते ना, सब देखेंगे कि ये अच्छा है ये अच्छा है, तो हमारा सब फुलफिलमेंट होगा, तो स्टार्टिंग ही उसकी तो स्वार्थ से समझ लो, तो जिंदगी भर रहेगा ही। नहीं, एक ये पॉइंट बहुत अच्छा लता ने बताया, ब्लड रिलेशन। पहले बोलते थे ना ब्लड रिलेशन है, ब्रदर है ना जो ब्लड रिलेशन है, सिस्टर्स है, परिवार है, ब्लड रिलेशन है। लेकिन मुझे तो इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद ये लगा कि ब्लड रिलेशन जैसी कोई चीज नहीं है दुनिया में, मन का रिलेशन ज्यादा जरूरी अब नहीं रह गया ना है। भाभी जी, असल में हाँ अब नहीं रह गया, एग्जैक्टली, पहले तो थोड़ा बहुत रहता था, अब बिल्कुल खत्म हो गया, अब वही मन के तो। रिलेशन काम आते हैं। इनफैक्ट ऐसा है कि ब्लड रिलेशन से जो मन के रिलेशन अगर किसी से बने हैं, अगर वहां पे थोड़ा स्वार्थ अगर नहीं है तो ही वो टिकते हैं, नहीं तो वो भी नहीं। ब्लड रिलेशन तो आजकल दे बिकम टोटली सेल्फिश हो गए। ब्लड रिलेशन मेरे खुद के, जो वही आप कह बोल रहे रहे हो हैं, ना वहां आंटी, पे मेरे खुद स्वार्थ खत्म हो गया प्रोसेस ना तो रिलेशन भी खत्म हो गया।
बस वही स्पार्क खत्म हो गया, वो खत्म। रिलेशन भी सब ब्लड रिलेशंस खत्म हो गए, जहां पे अच्छा हाँ कोई किसी तरह का स्वार्थ बोलो या किसी तरह की एक्सपेक्टेशन है वहां पे ही रिलेशन बने हुए हैं। बाकी ब्लड रिलेशन जैसा आजकल की दुनिया में तो मुझे नहीं लगता है कुछ रह गया। किसी ना किसी तरह का और कनेक्शन है, बट वी कांट कॉल इट ब्लड रिलेशन। पता नहीं मेरा एक्सपीरियंस है, मे बी सबका अलग होगा। कभी कभी सबका ही सेम फ्रेंडशिप है। बहुत अच्छा रिलेशन रहता है, और भाभी निस्वार्थ जी भी होता है। एक मॉरल सपोर्ट भी एक्सपेक्ट करते हैं, सपोज सांसारिक, वो भी एक स्वार्थी होगा ना, वो भी एक सुख का एक्सपेक्टेशन ही होगा ना। किसी से आपको रुपए पैसे का नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन एक मॉरल सपोर्ट के हिसाब से, सपोज एक मित्र समझो या कोई भी एक समझो, सिस्टर समझो, तो सिस्टर में तो कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है तुमको कि तुमको ये देगी वो देगी, लेकिन एक मॉरल सपोर्ट का एक्सपेक्टेशंस भी एक स्वार्थ में ही काउंट होएगा ना। नहीं, अगर और अपने और इसके फर्दर जाए ना, तो ये है कि अगर एक्सपेक्टेशन नहीं हो तो कोई रिलेशन ही नहीं होगा फिर, नहीं तो है ना। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों, किसी ना किसी एक्सपेक्टेशन से ही जुड़े रहते हैं अपने। जैसे सपोज आज यामिनी मेरी फ्रेंड है, आप मेरी फ्रेंड है, तो कुछ तो है बीच में जो हम जुड़े हैं, नहीं तो इतने लोग हैं बिल्डिंग में ही, इतने लोग होते हैं, सबसे क्यों नहीं जुड़ते हम लोग। मैं बोलती हूँ साथ में सत्संग करने का भी एक एक्सपेक्टेशन, हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मुझे किरण से लता से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, लेकिन ऐसे लगता है ना कि अरे हमारे सत्संग के वो नहीं, है, साथ में मिलेंगे तो सत्संग करेंगे, एक नहीं, ग्रुप बना हुआ रहेगा। एक फैमिली जैसा एटमॉस्फियर हो गया है एक तरह से। हाँ हाँ, तो इसमें क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो गया ना भाभी जी, इतना हाँ टाइम रहेंगे उतना टाइम अच्छा जाएगा हमारा, थोड़ा दिमाग शांत रहेगा, कुछ हाँ सीखने मिलेगा, हमको, वो हाँ एक्सपेक्टेशन तो है ही। वो ये एक भले चाहे वो अच्छा एक्सपेक्टेशंस हाँ है, इसमें गंदा एक्सपेक्टेशन भी होता है अच्छा भी होता है, तो एक अच्छा है, लेकिन है तो एक्सपेक्टेशंस ना कि अगर मैं इन लोग से जुड़ी रहूंगी तो मुझे सत्संग मिलेगा, तो मुझे ये अच्छा मिलेगा, तो मेरा वो अच्छा होगा, है ना। भाभी जी से जुड़ूंगी तो दो चीज सीखने को मिलेगी, या ठाकुर जी से और क्लोजनेस आएगी, या और अपने को हिम्मत मिलेगी, तो वो भी एक तरह का एक्सपेक्टेशन ही हो गया ना। सत्संग से भी कोई जुड़ता है तो कुछ ही एक्सपेक्टेशन से ही जुड़ता है ना, कि भाई बिल्कुल हमारी लाइफ इजी होगी, हमारी लाइफ में खुशी आएगी या कुछ होगा, वो इस तरह से, तो वो भी तो मुझे लगता है एक तरह से एक्सपेक्टेशन ही है, तो फिर वो तो कोई सौरों का कॉज नहीं हो सकता है ना। नहीं, तो उसके बीच में फिर क्या थियरी, कौन सा पॉइंट इज मिसिंग, ये सोचने की बात है। आगे पढ़ते हैं, आएगा, है ना। चलो पेज नंबर 144, शीला जी आप पढ़ेंगे। समझ लो कि संसार में जो माइक ऑन करिए। समझ लो कि संसार में जो प्रेम का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है वह सब धोखा है। जहां एक दूसरे के स्वार्थ टकराते हैं वहीं खटपट शुरू हो जाती है। संसार का हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगा हुआ है। कोई किसी को किसी के लिए प्रेम नहीं किया करता, अपने सुख के लिए सब प्रेम प्रदर्शित किया करते हैं। जब तक पति का पति पत्नी से स्वार्थ पूरा होता है तब तक पति प्रेम प्रदर्शित करता है। स्वार्थ पूरा होना बंद हो जाता है, प्रेम प्रदर्शन बंद हो जाया करता है। ये संसार का प्रैक्टिकल स्वरूप है। लॉर्ड ब्रियोन बेरोन अंग्रेजी के कवि थे, बड़ी अच्छी कविता लिखते थे। कवि लोग वैसे ही थोड़े रसिक हुआ करते हैं। सुंदर स्त्री उनकी विकनेश थी, उन्होंने 7 शादियां की, 7 स्त्रियों से ब्याह किया। ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है का प्रताप है। 5 शादियों के बाद एक सुंदर स्त्री से इनका प्रेम हो गया। उसने 6वीं शादी रचाई। चर्च में से निकल रहे थे, तमाम दोस्त साथ थे। चर्च की मोमबत्तियां अभी तक जल रही थी, बुझी नहीं थी। शादी करके अपनी बीवी के साथ हाथ में हाथ डाल के चर्च की सीढ़ी उतर रहे थे, तभी एक सुंदर सी स्त्री बग्घी में बैठकर
उसके सामने से होकर गुजरी। जो ही उस स्त्री को देखा उनका मन उसकी ओर आकर्षित हो गया। आदमी दिल का सच्चा था। जब गाड़ी में अपनी बीवी के साथ बैठा तो हंसकर उससे कहने लगा, देखो ये मेरा मन भी कैसा है। जब तक मेरी तुमसे शादी नहीं हुई थी मेरा सारा मन तुम्हारी तरफ लगा था कि कब कैसे तुम मेरे कैसे मेरी तुमसे शादी हो जाए और तुम मुझे स्वीकार कर लो और हम तुम शादी के बंधन में बन जाएं और शादी करके मैं तुम्हें अपने घर ले आऊं। तुम्हारे ही बारे में सोचता था लेकिन जो ही हमारी शादी हुई हम चर्च से उतरे और मैंने उस सुंदरी सुंदर स्त्री को देखा मेरा मन तो उसकी तरफ चला गया कि अब उसको कैसे प्राप्त कर। सत्य घटना है, बिल्कुल मन इतना चंचल है। दूसरी बात, ये गड़बड़ी कहाँ होती है? हम सब अपना स्वार्थ ढूंढते हैं तो चोरी चोरी ये मन में पता होता है कि हम इससे प्रेम थोड़े ही करते हैं, हमको तो अपना स्वार्थ पूरा करना है। मान लीजिए किसी गांव में कोई मिनिस्टर साहब आते हैं तो उनके स्वागत के लिए बड़ी तैयारी हुआ करती है, तमाम गांव में उथल पुथल हो जाती है, लाखों रुपया खर्च किया जाता है कि सब व्यवस्था ठीक ठाक होनी चाहिए। सब यही मनाया करते हैं कि मिनिस्टर्स का गुस्सा जरा तेज है, आकर के शांति से चले जाए तो हम चैन की सांस ले। प्यार व्यार नहीं है मिनिस्टर से, लेकिन स्वार्थ बुद्धि है, इसलिए उसकी सेवा हुआ करती है। राधे राधे। तो इसमें क्या पॉइंट समझ में आया? मुझे तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि हम सब अपना स्वार्थ ढूंढते हैं चोरी चोरी। ये मन में पता होता है कि हम इससे प्रेम थोड़े ही करते हैं, हमको तो अपना स्वार्थ पूरा करना है ना। मन में यही सोचते भी हमको ये काम है इसलिए उसको पटाना है, अपना काम करवाना है लाइफ, बाकी हमें उससे क्या जब हम प्रेम। सच्चे होंगे ना मन में तब भी ऐसा रियलाइज करेंगे, नहीं तो कोई एक मुझे एग्री नहीं याद करेगा। आया, हाँ एक मुझे याद आया, माँ एग्जाम्पल देती हैं कि अब घर घर में बीमार है, तो बीमार है तो झट से डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को लेके आओ, डॉक्टर को लेके आओ, भागे भागे जा रहे हैं, डॉक्टर साहब अभी चलो, बोल रहे नहीं अभी इतने पेशेंट्स बैठे, नहीं, आप अभी का अभी चलो, कैसे भी करके उसको लेके आते हैं। तो वहां बोलती है ये प्रेम का प्रदर्शन हो रहा है, अपना स्वार्थ है ना कि हमारा बच्चा बीमार है, बाकी डॉक्टर से थोड़ी प्रेम आ रहा है कि उसको अपने घर के लेके आ रहे हो घर, करेक्ट, है ना। ऐसे ही माँ बोलती वकील के यहाँ चक्कर मारे जा रहे हैं, रोज मारे जा रहे हैं, तो कोई वकील से प्रेम है क्या, अपने काम से प्रेम है ना कि हमारा केस चल रहा है उसके लिए ये डिस्कस करना है वो करना है, तो ये ये प्रेम मिनिस्टर वाली प्रदर्शन। बात भी ऐसी ही है, उनसे हाँ अपने गांव का काम करवाना है। वही, अपना काम करवाना है तो प्रेम का प्रदर्शन हो रहा है। हाँ इसीलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि कोई हमें जरूरत से ज्यादा प्रेम कर रहा है और बहुत अच्छा 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 बता रहा है, तो उसके लिए हमें समझ के उसके चलना पीछे चाहिए उसका कि कोई स्वार्थ है। स्वार्थ है कि क्या है कैसे है। तो अभी इसके पहले जो अपन पॉइंट बोल रहे थे ना कि जैसे सत्संग से जुड़े हैं तो उसमें हमारा स्वार्थ है कि हमको कुछ सीखने मिलेगा, तो दैट इज ओके नो, दैट हाँ वो इज अ अच्छा गुड स्वार्थ है, काइंड ऑफ, वो अच्छा स्वार्थ है, सच्चा स्वार्थ है दैट इज स्वार्थ, ओके। लाइक लेकिन सपोज नहीं वो स्वार्थ है लेकिन अच्छा स्वार्थ। अच्छा स्वार्थ है तो वो मिलन की, जैसे अब अगर अपन इसको, हाँ जैसे डॉक्टर का एग्जाम्पल है तो हाँ उसमें वी आर थिंकिंग कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए तो डॉक्टर, तो वो वाला स्वार्थ वो गलत। उसमें भी एक पॉइंट है कि जैसे माँ कहती है ना हमको कुछ थोड़ी मिल जाएगा, तुम लोग आ रहे हो सत्संग में, तुम अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हो ना, हम अपने के हमें भला होगा इसलिए हम जा रहे हैं। तो वो पॉइंट ये है कि भाई जहां हमारा स्वार्थ हमको लगता है हमारे लिए कुछ हमें मिलेगा तो हम जाते हैं, सामने वाले से हमें प्रेम नहीं है, प्रेम है इसलिए नहीं जाते हैं, हमें अच्छा लग रहा है वहां जाना और हम कुछ पाते हैं इसलिए जाते हैं, ये बात है। तो सत्संग में हम कुछ पाते हैं इसलिए हम जाते हैं, जैसे अभी भी है अपने ये सेशन कर रहे हैं तो हमें कुछ मिल रहा है इसलिए कर रहे हैं ना,
जिसको लग रहा है नहीं मिल रहा है तो नहीं करेगा भाई, जिसको लग रहा है हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो नहीं करेगा। अच्छा लगता है ये भी, इसमें तो स्वार्थ नहीं है ना, इस सेशन में हम ज्वाइन करते हैं, अटेंड करना चाहते आगे हैं। पॉइंट आएगा, ये पॉइंट स्वार्थ का पॉइंट आगे आएगा। उसी प्रकार से हमारा किसी से प्यार नहीं है। आप पढ़ोगे रेखा, पेज नंबर फाइव, हाँ हाँ पेज नंबर, 145। हाँ उसी प्रकार मनी, उसी प्रकार किसी से प्यार नहीं है, हम तो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए व्यवहार करते हैं, लेकिन गड़बड़ कब होती है, जब दूसरे व्यवहार करते हैं तो हम धोखा खा जाया करते हैं। किसी ने आपसे प्रेम प्रदर्शन किया तो आपको लगता है ये बड़ा अच्छा है, मुझसे बड़ा प्रेम करता है, वही आप उसकी आसक्ति के चक्कर में पड़ जाया करते। इसीलिए भैया, संसार के स्वरूप को अच्छी तरह से समझकर आपको अपने मन को यहाँ से हटाना होगा। हम सब स्वार्थी तो है, लेकिन हम सब गलत स्वार्थी है, क्योंकि हम समझते हैं कि मुझे यह वस्तु मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, दुख चला जाएगा, लेकिन किसी भी वस्तु की प्राप्ति से हमको वास्तविक सुख शांति नहीं मिलती, क्योंकि हमें यह नहीं मालूम कि हमारा वास्तविक स्वार्थ है क्या। स्वार्थ, इस शब्द का मतलब क्या है? स्वार्थ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व और अर्थ। स्व यानी अपना, अर्थ यानी मतलब। आपने अपना वास्तविक अर्थ अथवा मतलब ही नहीं समझा है। आप समझते हैं कि इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, शरीर को सुखी करके आप सुखी हो जाएंगे, लेकिन ना, जहां तक आपके मन बुद्धि की गति है ना, सब माया का क्षेत्र है, और वहां तक सच्चे सुख का लवलेश भी नहीं है। आपके आंख, नाक, जबान, कान, शरीर, मन, बुद्धि स्व नहीं है, आप स्वयं स्व हो, स्वयं जीवात्मा स्वयं हुआ करता है। बस जी राधे जीव राधे राधे, ये यहाँ पे आंसर आ गया ना भावना, जो आप कह रहे थे कि अब यहाँ माने ये क्लियर बता दिया कि स्व स्वार्थी मतलब सच्चा स्वार्थी क्या है। स्व मतलब मैं, और उसके बाद में माने बताया स्व और अर्थ, तो दो चीज माने बताई ना। तो स्व और अर्थ, स्व हाँ यानी अपना और अर्थ यानी मतलब, ठीक है ना। तो अपने यहाँ मैंने ये पॉइंट अब बताया है कि हमको यही नहीं मालूम कि हमारा सच्चा सुख क्या है, क्या पाने से हमें सच्चा सुख मिलेगा। और फिर आगे ये पॉइंट आया है कि जीवात्मा की तृप्ति से ही हमें सच्चा सुख मिलेगा। तो जहाँ हमें जीवात्मा की शांति के लिए मटेरियल मिल रहा है, वहां पे हमारा सच्चा स्वार्थ है। बाकी सब जगह जो है ना वो माया है सब जगह। और इसमें उसमें भाभी जी ऐसा सोचना सही होगा क्या? मैं आपको पूछ रही हूँ, मेरे मन का कंफ्यूजन, कि जैसे हम हमारा धन या आंख नाक शरीर के सुख के लिए जो सुख चलते हैं वो सच्चा स्वार्थ नहीं है। जहाँ हम स्वयं अपने आत्मा के लिए अगर कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, भाई हमारी सोल है उसके लिए जो हम सुख सोचते हैं वो सच्चा सुख, वो तो ये सच्चा है, वो सही है ना, स्वार्थ है, वो वो स्वार्थ। सच्चा स्वार्थ है। जहां हमें आत्मा की तृप्ति के लिए कुछ मटेरियल मिलता है ना, वो सच्चा स्वार्थ है। और हाँ बाकी हम फंसे हुए हैं ये भौतिक स्वास्थ्य की चीजों में, बुद्धि के लिए, इसके लिए, शरीर के लिए जो सुख मिल रहा है वो सब माया है, उसमें सच्चा स्वार्थ नहीं है। तो जहां हमें सच्चा स्वार्थ मिलता है वहां तो हमें जाना ही चाहिए ना। जहां हमें आत्मा की शांति मिलती है या जीवात्मा को हमारी शांति मिलती है, तो वो सच्चा स्वार्थ है कि वहां हम जाएं। और बाकी, और दूसरी बात इसमें एक मुझे और बहुत अच्छी लगी कि वही बात आ गई जो आप बता रही थी ना, जब दूसरे व्यवहार करते हैं तो हम धोखा खा जाया करते हैं, है ना। हमारा किसी से प्यार नहीं है, हम तो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए व्यवहार करते हैं, लेकिन गड़बड़ कब होती है, जब दूसरे व्यवहार करते हैं तो हम धोखा खा जाया करते हैं। किसी ने आपसे प्रेम प्रदर्शित किया तो आपको लगता है ये बड़ा अच्छा है, मुझे बड़ा प्रेम करता है, वहीं आप उसकी आसक्ति के चक्कर में पड़ जाया करते हैं। हमारी किसी ने दो चीज तारीफ कर दी
हाँ, देखो ये कितनी अच्छी है, कितना अच्छा है, हमारी इतनी तारीफ कर रहा है, यही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है, उसमें वो आसक्ति का चक्कर आ जाता है। तो अपने को हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, है ना। एक मुझे बहुत अच्छा पॉइंट याद आया, अभी रिसेंटली किसी संत से सुना था कि बोले कि मेरे को जो दुख देता है ना, मैं उसको अपना ज्यादा हितैषी समझता हूँ, इस मतलब जो सुख देता है उसको कम हितैषी समझता हूँ, जो दुख देता है उसको ज्यादा अपना हितैषी समझता हूँ, और उसको मैं बहुत बहुत आभारी प्रकट करता हूँ। वो कैसे? क्यों बताओ, आप लोग बताओ क्यों? जो दुख देता है वो हमारा ज्यादा हितैषी मैं समझता हूँ, और आपको उसमें भी आसक्ति समझना नहीं चाहिए। होगी, उसमें आसक्ति नहीं होगी, और और दुख जो देता है तो हम भगवान से ज्यादा जुड़ते हैं, सुखी राइट रहते तो उसी में फंसे रहते हैं, दुख देता है तो हमको राइट भगवान याद आते हैं। लता ने जो पॉइंट मिला, उन्होंने बोला कि कोई दुख देता है ना, तब मैं भगवान की फट से याद आती है, दुख में ही तो ज्यादा याद आते हैं ना भगवान, तो दुख देता है तो वो हमें भगवान की याद दिलाता है, सुख देता है वो दुनिया के चक्कर में फंसाता है। वो तो भाभी जी, वो डोंगरे महाराज जी ने भी भागवत में लिखा है ना कि जब ठाकुर जी को तुमसे प्रेम हो जाता है तो वो सबसे पहले तुम्हारी टांग तोड़ देता है। टांग तोड़ देता है मतलब किसी भी तरह की तुमको दुख एक दे देता है, हाँ विपत्ता देता है ताकि तुम उससे दुखी होके, और हमारे क्योंकि तो सुख में तो बहुत कम लोग सुमिरन कर पाते हैं, जब कोई तकलीफ होती है तभी जाके हम उस तरफ थोड़ा भाई डाइवर्ट होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो अपने को दुख देता है अपने तो उससे बहुत ज्यादा और मतलब नफरत करते हैं या झगड़ा करते हैं या व्हाट एवर इट इज। उससे डिटैच हो जाते हैं। नहीं हाँ उससे नहीं, उसके कारण पूरी संसार में सब रिलेशन से भी तुमको एक तरह से अनासक्ति आ जाती है, या ऐसा लगता है कि अरे इसमें कुछ नहीं रखा है, दुनिया छोड़ो कैसी है, सब मतलब ऐसे हैं। धोखे की, हाँ ये धोखे क्या वो रिलेशन है या धोखे की माया है, बिल्कुल मुझे वो वो उसी लेकिन तरह का पॉइंट फील बहुत आता है। अच्छा लगा उस दिन सुन के कि सच्ची बात है एक्चुअली तो ये। जैसे कि लेकिन कुंती भाभी मैया जी अपने को, इतने बड़े संत कहाँ हो गए, समझो किसी से मेरे को दुख पहुंचा, अरे लेकिन ये सब बातें करते करते कहीं तक तो पहुंचेंगे, पर मैं एक और कंफ्यूजन है, मैं वो प्ले ग्रुप पूछूंगी। से केजी में तो पहुंचेंगे कम से कम हाँ वो जैसे पहुंचेंगे, लेकिन अगर किसी ने दुख पहुंचाया उसके बारे में अगर हम चिंता करते रहे तो वो भी तो गलत है। चिंता हाँ नहीं वो तो करते रहे, मतलब उससे हमारा जी को अपना मतलब होना मन नहीं, उधर, उसके लिए चिंता नहीं करना है, उसे लेसन लेना है अपने को। लेकिन ये मन भी इतना चंचल है ना कि वो अगर किसी ने दुख पहुंचाया तो तुमको ठाकुर जी तो कम देखते हैं और उसी के ऊपर ही गुस्सा आता रहता है, वो भी तो होता है ना। देखो आप ये भी सोचो, उस वो दुख आपको क्यों पहुंचाएगा, वो खाली बैठा ऐसे ही तो फालतू आदमी है नहीं कि आके आपको दुख पहुंचाता रहेगा, आपके भाग्य में होगा, भगवान ने उसको निमित्त बनाया आपका दुख पहुंचाने के लिए, आपसे कोई पहले का रिलेशन होगा उसका, भगवान ने उसको निमित्त बनाया है, अपने कर्म है इसलिए हमें दुख भोगना पड़ रहा है, तो हम उसको क्यों दोषी ठहराए, अगर अपने को इतनी नॉलेज आ जाए तो नहीं ठीक, हम किसी को हमारे कर्म दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन उससे हमारा मन तो विचलित होता है ना। मन तो ऐसे ही संभालना पड़ेगा ना कि चलो हमारा कोई ऐसा कर्म था कटा, चलो अब भगवान को याद करो और शांत रहो, और आगे के लिए ऐड तो मत करो जो तो कर्म बुरा भाभी था। जी इसीलिए तो सत्संग में जुड़ रहे हैं ना, कि उसको हटा के भगवान में लगा सके। यहाँ नहीं वही मैं कह पे रही ज्वाइन हूँ, करने का मकसद वही है कि अपन यहाँ से हटके बस धीरे डाइवर्ट कर धीरे सके करके अपना बातें दिमाग। करते करते लाइफ में चेंज ये आ नहीं रहा समझता होगा, मैं। आएगा भी, आ रहा है चेंज और आएगा भी आगे। अब ये जो आज अपने ने बात डिस्कस की, कभी कोई अपने को समझ लो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दुख दे रहा है तो अपने को एक बार तो याद आएगी ना मन में, हम लोगों ने उस दिन ये बात डिस्कस की थी, भैया इसको तो चार बात और मत कहो, उसने दो कही है दो तक फिनिश कर दो, नहीं तो फटते अपने चार बात तो अपनी तरफ से लगा देते हैं उसमें, याद आएगी ना कि भाई हमारे कुछ कर्म होंगे, ठीक है लेट इट गो, फॉरगेट एंड फॉरगिव, माँ कहती है ना फॉरगेट एंड फॉरगिव, उसने कह दिया सुन लो शांत रहो और सोचो भाई ठीक है हमारे कर्म कट रहे हैं, काम खत्म, नहीं तो दो का चार, चार का आठ, आठ का 16 होता ही, इतना तो फर्क आना चाहिए लाइफ में अपने, और इसका ये भी बहुत बड़ा फर्क है। याद है अपने ने वो स्किट किया था ना एक, कि वो उसको लोन देती है लेडी को, फ्रेंड को लोन देती है, तो वो गुरु बोलता है कि जाओ तुम मुझसे माफी मांग लो, वो बोलती है मैंने ही पैसा दिया उसको, उसने लौटाया नहीं तो भी मैं ही जाके माफी मांगू
वही बात हो गई ना, तो ये सब सोचते सोचते अपने लाइफ में हो जाएगा। चलो तो ये तो हुआ। गड़बड़ी तो यह है कि हम अपने स्वार्थ को नहीं पहचानते, क्योंकि हम अपने आप को ही नहीं जानते हैं। हम जीवात्मा हैं, हम इन संसार रूपी जेल में हैं, संसार में हम सब कैदी हैं। यहाँ की पोशाक है, यहाँ की पोशाक है ये भिन्न भिन्न योनियाँ, कभी कोई तो कभी कोई, सबको मिलती रहती है। हम ये चिंता करते हैं कि कहीं ये छूट ना जाए, क्योंकि हम समझते हैं कि जो भी मिल रहा है यह मेरा है, अगर छूट गया तो मेरा क्या होगा। इस चक्कर में शरीर में आसक्ति बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब हम सही स्वार्थी नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, सच्चा स्वार्थ वो है जो परमात्मा का रियलाइजेशन करा देता है। वो हमको सच्चा स्वार्थी बनना है, और सच्चा स्वार्थी हम जब बन सकते हैं, जब हमें ये मालूम पड़ेगा कि सच्चा सुख किसमें है। अपने ने सच्चा सुख का टॉपिक किया था क्या, किसी को याद है कुछ? इधर चिंतन में तो नहीं किया हुआ, याद आ रहा है सच्चा सुख का अपन ने किया था, लेकिन वो एक स्किट करी थी और अपने जो पर्सनल मीटिंग में डिस्कशन करते थे ना, वहां पर हाँ, किया हुआ है वो इसमें सच्चा चिंतन में सुख। नहीं किया ना नहीं अपने किया ने, सच्चा सुख की वो पूरी स्टोरी थी ना, रसगुल्ला वाली और वो तो सब। पूरा वो वीडियो भी तो था ना हाँ अपने। वो वीडियो था, तो वो यहाँ पर नहीं किया है, वैसे हाँ अपना किया हुआ है। ठीक है, तो मैं देखो कोशिश करती हूँ नेक्स्ट टाइम अपने सच्चा सुख ले लेंगे, ठीक है ना। और ये आसक्ति वाली में मुझे एक दो और स्टोरी याद आई थी। एक तो स्टोरी अपने कर चुके हैं पहले, कि वो एक आदमी का घर में आग लग जाती है, उसका बहुत सुंदर बंगलो होता है, उसमें आग लग जाती है। याद आई किसी को स्टोरी, बताइए शॉर्ट में बता दीजिए, क्योंकि टाइम कम है। बस एक आदमी के ना वहां पर बहुत सुंदर घर होता है, तो उसमें आग लग जाती है। आग लग जाने के बाद में वो सब भीड़ इकट्ठी हो जाती है। भीड़ इकट्ठी हो में एक जन होता है, उसको पता लगता है कि अरे ये घर तो मेरा बेटा आके बताता है ना, ये नहीं घर तो नहीं ऐसा सौदा। नहीं, वो आग लगने की वजह से वो बैठ के रो रहा होता है, बोल रहा होता है हाँ बचाओ हाँ बचाओ आग लग गई आग लग गई, बहुत दुखी हो रहता है। इतनी देर में उसका एक बेटा आता है, वो हाँ कहता है कि अरे पिताजी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? बोलो देखो बेटा अपने घर में आग लग गई। तो बोला हमने भी 2 ही दिन पहले इसका जो है सेल कर दिया था, और ये तो अब हमारा नहीं है, ये तो हमने बेच दिया था। तो बोलते अच्छा बेच दिया था? बोला हाँ हमने तो बेच दिया था। तो बोलता है चलो अच्छा हुआ कम से कम, तो उसका रोना बंद हो जाता है। कुछ खुश नहीं होता है तो मतलब रोता भी नहीं है कि चलो अब हमारा तो नहीं था, तो अटैचमेंट नहीं रहा तो दुख भी नहीं हुआ ना। पहले अटैचमेंट था कि मेरा बंगला है इसलिए वो रो रहा था, बाद में अटैचमेंट नहीं था वो चुप हो गया कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद उसका दूसरा बेटा आता है, तो बोलते अरे पिताजी अपने घर में आग लग रही है और आप ऐसे खुशी खुशी होके बैठे हो। बोले बेटा अभी तो उसने कहा कि भाई बेच दिया था बंगला। बोला बेचा जरूर था, लेकिन अभी पैसा आया थोड़ी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हुआ है, खाली एडवांस आया था, बातचीत हुई थी। फिर वो रोने लगता है कि हाय मेरा बंगला जल गया। तो अटैचमेंट का एग्जाम्पल है कि जब अटैचमेंट था तो रोना आता है, अटैचमेंट नहीं है तो नहीं रोना आ रहा है, लाइक दैट। तो वैसे ही अपनी हर चीज के लिए होता है, अपनी कोई चीज खो गई तो लगता है हाँ खो गई, और बाजू वाले की खो गई तो लगता है नहीं नहीं अपनी तो नहीं खोई, चलो उसी की खोई है, अपना दुख नहीं होता है उसको, होता है ना इस तरह से। और एक इसकी मुझे स्टोरी याद आई, वो एक बार कृष्ण जी के ये ना कि भी अपना अपना स्वार्थ देखते हैं हर चीज में, उसके बियॉन्ड नहीं जाते हैं। हमारे स्वार्थ में अगर अड़चन आ रही है तो वो रिश्ता हमें नहीं चाहिए, वो हमें रिलेशन नहीं चाहिए। तो वो कृष्ण भगवान कहते हैं ना कि वो गोपियां मेरी बहुत हितैषी हैं, गोपियां जितने हमसे प्रेम करती हैं कोई नहीं करता है। तो नारद जी को ये बात समझ में नहीं आती है, तो वो उसके एग्जाम्पल देने के लिए उनको प्रैक्टिकल लीला करते हैं। तो एक दिन बोलते हैं मेरे तो पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है ये वो। तो नारद जी बोलते भी लेते वैद्य को ले आते हैं, बुलाते हैं, दिखाते हैं, सब देख लेते हैं, फिर भी नहीं ठीक हो रहा है। तो बोलते हैं कन्हैया तुम ही बताओ भाई क्या इलाज है। तो बोले कोई अपने पैरों की धूल मेरे को दे और मैं उसका लेप
पेट में लगाऊं तभी ठीक होगा। तो बोले ठीक है, क्या बड़ी बात है, अभी ले आते हैं। किसी को नहीं मालूम है क्या यह स्टोरी, मेरे को मालूम मालूम है भाभी जी, चलो शॉर्ट में याद नहीं है बताऊं। पता, आप बता दो मैं शॉर्ट में। तो वो बोलता है ठीक है, तो वो रुक्मणी जी के पास जाता है कि भाई ऐसे ऐसे है, वो बोल रहे हैं आपके पैरों की धूल दे दीजिए। बोले अरे इतना बड़ा पाप मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरे को नरक में जाना है क्या कि मैं अपने पैरों की धूल दे दूं उनके पेट में और सिर में लगाने के लिए। तो सब रानियां ऐसे ही जवाब दे देती हैं, और सबसे पूछता है सब ऐसे ही जवाब देते हैं। तो फिर वो वहां वृंदावन जाती है, वृंदावन जाके जैसे ही वो पहुंचते हैं गोपी बोलती क्या हुआ क्या हुआ, आप आज कैसे आए। तो बोले ऐसी ऐसी बात है। अरे बोले धूल क्या, मैं तो पूरी लीजिए अभी पूरा लोट के करके पूरे बोरी भरी भर के भेज देते हैं हम, आप उनको बस वो कैसे भी करके ठीक हो जाए। तो कहते तुम लोग को डर नहीं है क्या, तुम लोग को नर्क मिलेगा ऐसा करने से। तो बोले हमें नर्क मिले या नर्क से भी बदतर नर्क मिले, लेकिन हमारे कन्हैया को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये सच्चा प्रेम, तब उनको समझ में आया नारद जी को कि हाँ सच्चा प्रेम इसको कहते हैं, कि अपनी चिंता नहीं है हमें नर्क मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा या क्या होगा, हमारा जो प्रेमास्पद है उसको सुख मिलना चाहिए। तो मेन इसका यही है स्टोरी का, और आज का फिर से कुछ नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेन पॉइंट्स आई थिंक वी हैव कवर्ड, है ना। चलो तो आज का सेशन एंड करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री ब्रज वल्लभ लाल की जय, सरकार जय की जय, श्री गिरिराज धरन की जय, श्री महाराज राधे, की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे, जय जय रविंद्र की जय, संत श्री श्री लालन जी महाराज की जय, राधे। सबको राधे राधे।